नेहा के तो लोग पते लगाते कि नेहा जेल जी है कि नेहा सबके जेल दे दी। सम्मान आने के बाद मम्मी को डर तो नहीं लगा कि पुलिस उठा लेगी बेटी अरे को? नहीं बाबू क्यों डरेंगे, मेरी लड़की गलत आई नहीं। हमने के तो 13 को पर्दा लगा के शादी भरे बेटी ओपन पल्ला बहू ओपन पल्ला चलत बारी। हाँ, बात तो सही है, जमाना बदल गया। बदल गई जमाना बदल गई, तब हम नहीं को बदले के पड़ता। हमार सास घूंघट में रखली, हमार बहू पल्ला फेंक के चल वाली, आ उसे चलाओ तनी कि आजकल जमाना भाई से चले के चाहे। लग रहा है कि विकास हो रहा है, देश बदल रहा है ये भाई। अब तो 10 बरिस 5 बरिस में तो विकास तो होबे करी थोड़ा थोड़ा। हमने के जमाना में पर्दा पर शादी भेल घूंघट निकाल के वो पर्दा खुल गए, तो विकास तो धीरे धीरे लड़का पैदा हुई हो अपना अपना दिमाग से अपना अपना चीज से ओके फोकस करिए ओके अच्छा करिए काम। अब ऐसनो नहीं बा कि बदल ही गई बा कुल चीज, जितना चाहिए उतना नहीं बा, लेकिन फिर भी समय का संता सब कुछ बदला बा, बदलते गए। एक बार फिर से हम कैमूर के जंधा गांव में हैं और ये नेहा सिंह राठौर का घर है। नेहा सिंह राठौर लगातार ट्रेंड कर रही हैं, अब हाल ही में कई सम्मन उसको भेजे गए। आज उसी मुद्दे पर बात करने के लिए फिर से एक बार नेहा सिंह राठौर की माँ हमारे साथ है। नमस्ते एक बार फिर से आपको। नमस्ते। आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा है? ना बाबू डर कहे गए बात नहीं, डर एकदम नहीं ना? ना नेहा अभी हम लोग पटना में थे तो लोग कहा कि पटना से वो जा रही हैं गांव, तो हम लोग इसीलिए चल के यहाँ तक आए, तो गांव नहीं आई होली में? नहीं हम मना कर दिए, अपना ससुराल चले जाओ, ससुर उनका अकेले, हम तो बहू अब सास दो लोग हैं, वो अपने ससुराल चली गई, हम लोग डरते नहीं हैं। तो नेहा का गीत में जो है बड़ा चर्चा है, बिहार में कुछ नहीं है, यूपी में कुछ नहीं है, आपको लगता है कि सही में कुछ नहीं है क्या है? नहीं जो गाना गा रही हूँ तो सत्य कही गा रही है, गलत थोड़ो गा रही है, अच्छी गा रही है, इसे थोड़ो कोई खराब गा रही है, अच्छा गा रही है, जिसका जो पसंद है मेरी बेटी का वो पसंद है वो गा रही है तो अच्छा ही गा रही है। अच्छा रही बात, अभी उससे पहले गया था चाचा की सरकार बा, और उसमें नीतीश और लालू दोनों को लेकर के कुछ चर्चा की थी, तो बिहार में फिर से उनकी सरकार है, लग रहा आपको कि काम हो रहा है? बाबू तो नेहा समझिया सरकार समझी, हमके ओकरा बारे में नहीं पता तो हम का बता सकीला, लेकिन नेहा जौन करत रही तो अच्छा करत रही, ऐसा कौन बात नहीं कि नेहा गलत काम नहीं की करत, काम तो अच्छा कर, बहुत अच्छा कर रही है। और इतने कम समय में बिहार की बेटी की पहचान, पूरे देश में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो नेहा सिंह राठौर नाम नहीं जानता होगा। अगर वो नहीं जानता तो टीवी और मोबाइल पर सोशल मीडिया पर आप कुछ ये वीडियोज नहीं देखते होंगे, या देखते हैं तो नेहा सिंह राठौर को जानते होंगे, उनकी माँ है। एक बार फिर से आपको परिचय करा दे रहे हैं। सम्मान आने के बाद मम्मी को डर तो नहीं लगा कि पुलिस उठा लेगी बेटी? अरे नहीं बाबू क्यों डरेंगे, मेरी लड़की गलत आई नहीं, तो पुलिस आने से क्या डरेंगे, हम नहीं डरते हैं, मेरी लड़की मेरा परिवार कोई नहीं डरता है, क्यों डरे हैं? हम लोग गलती किए हैं कि डरेंगे, नहीं डरते हैं हम लोग। आप पिछली बार आप मिले थे, जब हम लोग आए थे आपका इंटरव्यू किए थे, तो हमने पूछा था कि नेहा के ससुराल वाले, नेहा तो गाना गाती है, खाना भी बनाना पड़ेगा ससुराल में, तो आपने कहा कि उसके ससुर ने कहा कि लोग की बहू खाना बनाती है और आपकी बहू जो है हमारी बहू गाना बनाती है, तो आज के समय में गाना ही बना रही है खाना भी बना रही है नेहा? नहीं गाना ही बना रही है, खाना तो उनके घर में दोनों टार नौकर है, दो लोग दो दो नौकर है, खाना वही लोग नौकर बनाते हैं, वो खाना नहीं बनाती है। तो अभी तक नेहा लगातार गाना ही बना रही है? हाँ, खाना और बनाती है। गाना लगातार ट्रेंड कर रहा है। आंटी गाना सुनती है उनका? कौन हम? हाँ क्यों नहीं सुनेंगे भाई, अपना आदमी को नाम सुनकर भी अच्छा लगता है, मेरी बेटी है तो गाना क्यों नहीं सुनेंगे हम, बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी का। अच्छा हम पिछले बार मिले थे तो आपसे एक सवाल पूछा था हमने कि योगी और मोदी जी के बारे में बड़ा ट्रोल करती है नेहा, आपको लगता है कि नहीं? फिर से मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि योगी और मोदी जी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं? अरे हमको इसके बारे में पता नहीं है बाबू कि अच्छा काम करते हैं कि, हम तो घर में किचन का काम किए और लड़का लड़की पोस पाल के बड़ा कर दिए, उसके बारे में तो नेहा का जरूरत है, नेहा जानती होगी, पब्लिक जानते होंगे कि अच्छा करते हैं नहीं करते हैं, हमको पता इसमें नहीं है। अच्छा अभी हम लोग आए इस गाँव से, चर्चा और ये कह रहे थे वहाँ में हिरण भी देखे, और बड़ा इतने लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता पूरा छकाछक एकदम, हमको लगता है कि जब हम लोग पैदा हुए होंगे उस समय की ये सड़कें जैसे बिहार में और सब हालात है, इतना इतना कीचड़ होता था, आपको भी ससुराल आते होंगे आप, तो आपको ऐसा सामना करना पड़ता होगा, ये रास्ता वैसा होगा, और आज के समय में देखिए हमारी कार हर से पहुँच गया आपके घर तक, तो लग रहा है कि विकास हो रहा है, देश बदल रहा है? ये भाई अब तो 10 बरिस 5 बरिस में तो विकास तो होबे करी थोड़ा थोड़ा। हमने के जमाना में पर्दा पर शादी भेल घूंघट निकाल के वो पर्दा खुल गए, तो विकास तो धीरे धीरे लड़का पैदा हुई हो अपना अपना
दिमाग से अपना अपना चीज से ओके फोकस करिए ओके अच्छा करिए काम। अब ऐसा नहीं बा कि बदल ही गई बा कुल चीज, जितना चाहिए उतना नहीं बा, लेकिन फिर भी समय का संता सब कुछ बदला तो बदलते गए। हमने के तो 13 पर्दा लगा के शादी भरे, बेटी ओपन पल्ला, बहू ओपन पल्ला चलत बड़ी। हाँ बात तो सही है, जमाना बदल गया, बदल गया जमाना बदल गया। तब हम नहीं बदले के पड़ता, हमार सास घुघट में रखली, हमार बहू पल्ला फेंक के चल वाली, और उसे चलाओ तो नहीं कि आजकल जमाना बाई से चले के चाहिए। अच्छा संबंध आया तो आपको बताई होगी नेहा कि क्या सब हुआ, आपको पूरा प्रकरण पता होगा क्या हुआ था उसके बारे में। हाँ हाँ, तो उसको हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये सब फर्जी बात है, हम क्या इसमें लेगी। अच्छा बच्चिया तुम्हारा पुलिस आया नोटिस आया क्या हुआ, ये सब नहीं सोचते ही नहीं हमें। हाँ, फर्जी काम हुआ हो गया, हम लोग इतना कि इसका बच्चिया नोटिस आया तुम कहाँ छुपेगी कहाँ लुकाएगी, ये सब नहीं किए। एक बार बोली नोटिस आया है, बोली गया, हम लोग टीवी मोबाइल में देखते हैं, हुआ हुआ काम खत्म हो गया। डरते थोड़ो हैं कि उसके बार बार में पूछे क्या हुआ क्या हुआ। आप बताए गांव वाले लोग आए थे? हाँ, दो चार लोग पूछे नेहा जेल जाएगी, हम कहे गोरू भैंस जेल जाना ना, गोरू भैंस थोड़ो जेल जाना, आदमी जेल जाना, नेहा के तो लोग पते लगाते कि नेहा जेल जी हैं कि नेहा सबके जेल देती हैं। तो समझ, बड़ा कॉन्फिडेंस है आंटी को, देख रहे बता रही हैं कि नेहा जेल जाला कि सबको नेहा जेल भेज देना। समझ लीजिए, जब माँ का कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो तो बेटी शेरनी की तरह दहाड़ेगी। यही कॉन्फिडेंस नेहा सिंह राठौर का है, बिहार की बेटी है, कैमूर जिले का एक छोटा सा गांव है जंदा। आप अगर मेन रोड से चल करके आएंगे तो ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर ऐसे ही रास्ते में चलेंगे तब इस गांव तक आप पहुंचेंगे, समझ लीजिए। और यहां से एक पली बड़ी लड़की आज के समय में इस कॉन्फिडेंस के साथ लोकगीत संगीत को गाती है कि पूरा देश हिल जाता है, समझ लीजिए ये काबिले तारीफ है। और यही बिहार की मिट्टी का पहचान है। हम जिस तरह के गाने नेहा गा देती हैं तो कभी आप रोकती हैं कि ऐसे और ज़्यादा मतलब ज़्यादा मत सरकार को चिढ़ाओ या ज़्यादा मत सवाल पूछो? नहीं रुकते, नहीं हम नहीं छेकते रुकते कि क्यों गाई क्यों गाए ऐसा गाई क्यों नहीं, हम नहीं बोलते हैं, एकदम पूरा फ्रीडम है कि हाँ, हाँ उसका जो मर्जी वो गाए, उसका जो अच्छा लगता है वो गाए, हम उससे भी रोका टोका नहीं करते हैं। चलिए, हाँ से दूर हटके, हाँ एक और चीज, हाँ एक और चीज़ जो अभी के सोसाइटी में भोजपुरी लोक संगीत गाती है नेहा, और आज के समय में भोजपुरी का जो लोक संगीत है वो पूरा बदनाम है, वो देखते हैं पूरा अश्लील गाना जो कि परिवार के साथ आप सुन नहीं सकते, परिवार वालों को सुना नहीं सकते, ऐसे गाने लड़कियां गाती है लोग भी गाते हैं, तो कभी नेहा का ऐसा गाना नहीं होता, तो आप कभी उसमें बताते हैं इस तरह का चीज़ें नहीं गाना है या खुद ही नेहा समझदार है, हमको बताना नहीं पड़ता है कि ये गाना है, गाना गाओगी या नहीं गाओगी, नेहा खुद ही समझदार है, नेहा को बताना नहीं पड़ता है कि ये गाना मत गाओ ये गाना गाओ, उसका नहीं बताना पड़ता है, नेहा खुद ही है समझदार है। तो चलिए, बड़ा लंबा वक्त लिए हम लोग जब आए तो आंटी को हम लोगों के लिए बिहार का तो ये कहे कि बिहार के मिट्टी में रस्ता बसता इस तरह का चीज़ कोई भी अगर आगत तू घर में आए तो उसका वो होता है, तो चाय बना, लड्डू भी आ गया इधर में से अगर दिखाएगा तो लड्डू खाए हम लोग, और जो है बिस्किट है, बिस्किट और लड्डू पानी चाय सब आ गया 5-7 मिनट के अंदर, समझ लीजिए इतना काम आंटी अभी भी कर लेती हैं। हम भी कर लेते हैं, बहू भी है अंदर, बहू भी कर लेती है, हम भी कर लेते हैं। तो समझ सकते हैं आप कि आज के समय में इतना एक्टिव अगर माँ बाप हो उनके विचार हो तो बच्चे तो अच्छे होंगे ही, और नेहा इसी तरह से परचम लहराती रहे, बिहार का नाम फ्लक तक पहुँचाते रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ फिर से होगी अगली मुलाकात। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।